units and unit systems. ठीक है, यूनिट एंड यूनिट सिस्टम. चलो अब यूनिट की बात करें तो हमारे पास तीन डिफरेंट सिस्टम थे पहले, आप लोगों को पता ही होगा. हम लोगों ने FPS डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, CGS, और उसके बाद MKS. ठीक है, ओके. अब ये डिस्कस करने से पहले हम लोग को दो चीज हम लोग को पता होनी चाहिए, वो क्या थी पता है, फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स, यूनिट्स के दो प्रकार है, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स. ठीक है, अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स. आवाज आ रही है ठीक से मेरी? यस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, जो बेसिक यूनिट है, कौन से, जो बेसिक यूनिट है. बेसिक यूनिट में हम लोगों ने 7 अपने ऐसे यूनिट है उसे हम लोग बेसिक यूनिट बोलते हैं. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ डिराइव में, तो हम लोग क्या बोलते, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है, यही चीज पढ़ा था हम लोगों ने. तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये भी दिखाया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेदर डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा मीटर और ये टाइम का सेकंड. तो यहाँ पे बेसिक यूनिट में हम लोग मीटर, केजी, सेकंड, एम्पियर, वो सारे चीज ले सकते हैं जो किसी के मिक्सचर नहीं बन रहे हो, वो अपने ओरिजिनल है, सब ये ओरिजिनल है. ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन होकर यहाँ पे जो बन रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिराइव यूनिट बोलेंगे. ठीक है, ये तो ये चीज हम लोग को पता होनी चाहिए जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके. FPS वो ब्रिटिश सिस्टम है, FPS मीन्स द फुट. ठीक है, P मीन्स द पाउंड, S मीन्स द सेकेंड. ठीक है, उसी तरह C मीन्स द सेंटीमीटर, G मीन्स द ग्राम, S means again second, M meter, A kg or S माने second. It means when we talk about the distance or हम लोग बोल सकते हैं length. तो length की बात करें तो British system में उसे foot से represent करते थे. CGS centimeter छोटा unit है, उसके बाद M means the meter. उसके बाद हम लोग mass की बात करें तो ब्रिटिश सिस्टम में उसे पाउंड, मैंने आगे भी बोला था बाहर से कोई मींस फॉरेन से कोई पर्सन आएगा उन लोगों को उसका वेट पूछिएगा तो वो लोग क्या बोलेंगे 200 pound, राइट. उसी तरह इंडिया में उसे ग्राम और केजी से रिप्रेजेंट करते हैं. और टाइम का बहुत सिंपल फंडा है, सभी जगह पे सेकेंड ही आएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं ना, ये सारी चीजें. Yes, sir. Okay, चलो उसके बाद दे मेक अ सिस्टम इंटरनेशनल मीन्स SI. क्यों SI यूनिट की जरूरत हुई, क्योंकि सभी जगह पे जब रिसर्च होता है तो रिसर्च के साथ साथ वो लोग अपना डिटेल और डेटा दूसरी कंट्री के साथ भी शेयर करते हैं. तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमारा यूनिट मास का यहाँ पे केजी और दूसरे कंट्री में किलोमीटर हो जाए, नहीं. ठीक है, और मीटर हो जाए. तो यूनिट को यूनाइट करने के लिए यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल फॉर्म हुआ. कितना क्या फॉर्म हुआ, सिस्टम इंटरनेशनल, से क्या बोलते हैं यूनिट, और उसे मैं बेसिक यूनिट ही बोलता हूँ. क्या बोलता हूँ, बेसिक यूनिट. और वो कितने टोटल 7 आर दे. ठीक है, टोटल कितने 7 यूनिट्स आर दे. चलो अब उस 7 यूनिट में कौन कौन से वो आप लोग को पता ही है, लेकिन फिर भी फटाफट देख लेते. लेंथ विच इज रिप्रेजेंट बाय, लेंथ इज रिप्रेजेंट बाय L, का यूनिट क्या है मीटर, और मीटर को सिंबॉलिक हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे. उसके बाद मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ये मास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट नहीं है. ठीक है, उसका यूनिट क्या है
किलो ग्राम सबसे रिप्रेजेंट करेंगे केजी से, उसके बाद टाइम, सो टाइम तो सिंपली इज रिप्रेजेंट एज ए स्मॉल टी, ये हो जाएगा सेकंड और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड्स, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या आता है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंट एज ए आई, ठीक है, और उसका एम्पियर फ्रॉम द साइंटिस्ट नेम, ठीक है, एम्पियर फ्रॉम द साइंटिस्ट नेम विच इज रिप्रेजेंट एज ए। और उसके बाद थर्मोडाइनेमिक, थर्मोडाइनेमिक और शॉर्ट में हम लोग उसे टेम्परेचर भी बोलते हैं, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, सो नॉर्मली उसे टेम्परेचर इज नॉर्मल रिप्रेजेंट एज ए कैपिटल टी, और कई जगह पे थीटा से भी रिप्रेजेंट होता है, वो सिर्फ याद रखेगा, ठीक है, ओके चल। और उसका यूनिट क्या था केल्विन, केल्विन ही था ना, उसके बाद क्या आता था yes. उसके बाद क्या आता था इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंट एज आई, ठीक है, और यूनिट क्या था उसका कैंडेला, और रिप्रेजेंट एज सीडी, लास्ट में क्या था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ पे हम लोग उसे मैटर भी बोल सकते हैं, और मैटर इज नॉर्मली मास की बात करें तो हम लोग मास और उसे म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वो हम वहां पे नहीं किया था, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल, और उसका यूनिट आ जाएगा मोल। सो ये हो गया अपने बेसिक 7 यूनिट्स आ गए, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास दो कौन से यूनिट थे सप्लीमेंटरी यूनिट्स आ गए, कौन से यूनिट है सप्लीमेंटरी यूनिट्स आ गए, सप्लीमेंटरी यूनिट्स, ठीक है, मैं उसे भी बेसिक ही कैलकुलेट करता हूँ। तो सप्लीमेंटरी यूनिट कौन कौन से थे, पहला यूनिट आप लोगों को याद ही होगा प्लेन एंगल, याद है या प्लेन एंगल, ठीक है, मैंने बोला था यहाँ ये पॉइंट ए कंसीडर कर लो, ये पॉइंट बी, सो पहले हम लोग यहाँ पॉइंट ए को देखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट ए यहाँ, उसके बाद ये पॉइंट बी को देखेंगे, थोड़ा यहाँ इधर से उधर हो गया, और ये क्रिएट कर रहा है आर्क, और इसका बीच का जो है वो हो जाएगा एंगल, और ये डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए और ओ टू बी को हम लोग कंसिडर करेंगे आर्क, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर्क सॉरी एंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क और स्मॉल आर, आर्क को हम लोग डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं और आर, ठीक है, अब डीएस इज जस्ट अ यूनिट ऑफ द मीटर लेंथ, मीटर बाय रेडियस इज अ मीटर, तो यहाँ पे ऐसे कोई यूनिट आएगा ही नहीं, इसकी वजह से यहां से दो नए यूनिट प्रोड्यूस किए, उसे क्या बोलते हैं रेडियन, क्या बोलेंगे रेडियन, ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या था हमारे पास सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ही था ना, सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल की बात करें तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया था एक 3D इमेज ड्रॉ किया था, क्या इमेज ये ड्रॉ किया था 3D इमेज, यहाँ पे मैं ऐसे ही थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, पहले हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे, थोड़ा इधर उधर जा रहा है, उसके बाद हम लोग ये पॉइंट को देखते थे, उसके बाद ये और इसके बाद ये, तो बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है एंगल वो 3D में था, तो वो एंगल को हम लोग क्या बोले थे सॉलिड एंगल विच इज रिप्रेजेंट एज ओमेगा, ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा एरिया कवर हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, सो एरिया इज नथिंग बट द डीए बाय आर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी मीटर स्क्वायर, तो यहाँ भी कुछ यूनिट नहीं आएगा, दैट्स व्हाई वी फॉर्म अ न्यू यूनिट, वी फॉर्म मींस द साइंटिस्ट फॉर्म द न्यू यूनिट, क्या बोलेंगे स्टेरेडियन, स्टेरेडियन उसे शॉर्ट से रिप्रेजेंट करेंगे एस आर, तो ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये तो 7 यूनिट है, ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे डिराइव यूनिट आते हैं,
जो हमें पढ़ना है, जिसकी वजह से हम लोग आगे स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिट है जो लोग जो चीज हम यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो हमें चाहिए होती है। चाहिए होती है मीन्स के वो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए, नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला वाला एक टॉपिक है, वो लास्ट में है, लेकिन मैं उसे पहले कवर करूंगा। ठीक है, तो ये 7 ऐसे यूनिट के साथ साथ सप्लीमेंटरी और सॉलिड यूनिट, तो टोटल 7+2 जिसे हम लोग बेसिक यूनिट बोल सकते हैं। समझ में आया इतना? यस सर। ओके, तो उसके कुछ एमसीक्यूज पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं डायमेंशन फॉर्मूला की ओर जाऊंगा, जिससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा यूनिट्स की बात। द नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द सिस्टम कितने हैं? हाउ मेनी आर देयर? 7। ओके ओके, व्हिच इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। मैंने बोला था ना 7 फंडामेंटल यूनिट्स तो आ गए, उससे अलावा भी बहुत सारे यूनिट है जिसे हम लोग डिराइव यूनिट बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा यूनिट एनर्जी का नहीं है, तो पहले समझते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी, एनर्जी का तो पहला साइंटिस्ट के नाम से आएगा, पहला आएगा जूल। क्या आएगा? जूल। तो ये पहला यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये तो आ जाएगा। उसके बाद एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लगाए तो क्या आ जाएगा? 1/2 mv². m इज द मास, तो उसकी जगह पे हम लोग kg लगा सकते हैं। v मीन्स द वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी मैंने वो डिराइव क्वांटिटी में समझाया था। तो यहाँ पे हम लोग मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका भी स्क्वायर है, तो इसे हम kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी के साथ साथ हम लोग एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क, इट्स नॉट वन टाइप ऑफ वर्क, उसका यूनिट वर्क मीन्स व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क, वर्क सपोज कुछ, ये देखो ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स पे मैं जब भी फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉक्स अपनी प्लेस चेंज करके यहाँ पे जा रहा है, इट मीन्स डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो जब ये डिस्प्लेस होगा, इट मीन्स फोर्स लगा तभी डिस्प्लेस होगा, इतना वन टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स किसने डिफाइन किया था? न्यूटन ने। तो न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट इज वन टाइप ऑफ यूनिट ऑफ द मीटर, न्यूटन इनटू मीटर। अब देखते हैं, चलो जूल तो आ गया, दूसरा यूनिट हमारा न्यूटन पर मीटर आ गया। ये देखो न्यूटन पर मीटर ये भी है, कौन सा यूनिट नहीं है? अभी देखो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे देखो kg मीटर स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। अब ये यूनिट भी इसका ही है और एनर्जी का, देखते हैं कैसे। आप लोगों ने पावर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं अभी दिखा देता हूँ। पावर इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क बाय टाइम। और पावर मीन्स व्हाट? वर्क क्या हुआ कि शायद समझो मेरे पास 10 kg का कुछ बैग है, ठीक है, तो उस बैग को उठा के मैंने एक जगह से दूसरी जगह लगा लिया, तो ये हो गया मेरा वर्क। ठीक है, मैंने उसे डिस्प्लेस करवाया, फोर्स लगा के मैंने उसे लिफ्ट करके, तो दिस इज अ वन टाइप ऑफ वर्क। लेकिन उस बैग को कितने टाइम तक मैं उसे उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब समझ लीजिए कि मेरा वेट 70 kg है, ठीक है, और मेरे पास बहुत कम एनर्जी है, तो मैं उसे शायद वो 10 kg वाला जो बॉक्स है उसे मैं उठा के शायद 2 किलोमीटर तक चल पाऊँ। लेकिन कोई बंदा मुझसे ज्यादा पावरफुल है और वो वही बॉक्स लेके 10 किलोमीटर चल पाए, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पावर। वर्क बाय टाइम वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर। समझ में आ गया होगा पावर। तो यहाँ से हम लोग क्या डिफाइन करें, हमें डिफाइन करना है वर्क। वर्क इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी, तो वर्क इज इक्वल टू पावर, टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम, और पावर का यूनिट क्या है? वॉट, और टाइम का क्या है? सेकेंड। ठीक है, वॉट इंटू सेकेंड, तो ये वॉट इंटू सेकेंड ये भी किसका है यूनिट? है एनर्जी का। कौन सा यूनिट नहीं है? वो है किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी इज देयर। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो 17 का आप लोग आंसर दीजिए। मास। विच वन हैव डिराइव यूनिट? डिराइव यूनिट की बात कर रहे हैं, डिराइव यूनिट, अभी मैंने डिराइव यूनिट समझाया था।
प्रेशर. डीरा यूनिट मीन्स वॉट? प्रेशर. यस, डीरा यूनिट मीन्स वॉट? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू, बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट. अब यहाँ पे देखो बी, ये देखो बी, क्वांटिटी ऑफ मैटर वो भी बेसिक यूनिट है, वो लास्ट वाला लिखा था वो. डी थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर वो भी ऐसा यूनिट में था, मास वो भी ऐसा यूनिट में था, कौन सा नहीं था? प्रेशर. प्रेशर किलो वॉट आवर ऑफ यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, किसका आएगा? चलो आप बताओ मेरे को आंसर. अब ये देखो एक बार समझ, किलो आवर, यस किलो पावर का कैसे आएगा? किलो वॉट आवर. अब यहाँ पे देखो किलो मीन्स द थाउजेंड, उसका तो सिर्फ एक वैल्यू है, ठीक है. वॉट, वॉट किसका रिप्रेजेंट करता है? पावर का रिप्रेजेंट करता है. और आवर की किसका रिप्रेजेंट करता है? टाइम का रिप्रेजेंट करता है. अभी हम लोगों ने देखा था पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम. सो डब्ल्यू क्या है हमारे लिए? इट्स एन वर्क. ऑप्शन सी इज देयर. समझ में आया? ठीक है, चलो अब देखो 19. यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी इज, ओके तो पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए ये क्या है, यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या है. ये चीज हम लोग हमारे आई थिंक चैप्टर नंबर 9 और 10 में पढ़ने वाले हैं. 9 और 10, आई थिंक 9 में ही, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाए पता है, मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है वो देखते हैं. मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी इज नथिंग बट द सिग्मा बाय एप्सिलॉन. सिग्मा इज अ स्ट्रेस, इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. इस दोनों चीज हम लोग वहां पढ़ेंगे. यहाँ पे सिर्फ देख ले, सिग्मा स्ट्रेस इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ प्रेशर मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया. और स्ट्रेन, स्ट्रेन is equal to delta L by R. L means change in the length upon original length. अब length upon length, तो इसका तो कुछ unit आने वाला है नहीं है, तो unit किसका आएगा? Force by area only. So newton per meter square. ये upper आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? Newton meter minus 2. तो this is our answer will be option C. समझ में आया? ये modulus of rigidity वो लोग हम लोग 9 और 10 चैप्टर में पढ़ने वाले, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इट्स एन वन टाइप ऑफ प्रेशर. स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो मीटर बाय मीटर, तो इसका कुछ यूनिट आने वाला है नहीं, तो बचा क्या? सिर्फ एफ बाय ए, और उसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर. वन यूनिट टू द अनदर यूनिट में कन्वर्ट करना हो, सो आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, कितना होता है आपको पता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? 1000. श्योर? और कोई बताएगा? Is a right, is a 1000 meter. ठीक है, अभी ये तो हो गया, लेकिन 1 meter is equal to dash kilometer means what? अब 1000 meter is nothing but the 10^+3 meter. ये याद रखिएगा. अभी उल्टा लिखो, 1 meter is equal to ये 1000, यहाँ पे division में आ जाएगा, तो 1/1000 होता है, तो उसे हम लोग 1/10^+3 यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 10^-3 kilometer. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 meter is equal to 10^-3 kilometer. समझ में आया इतना? Yes. अब उसी तरह 1 meter is equal to centimeter. How much centimeter होगा? 1 meter is equal to how much centimeter? 100 centimeter. कितना होता है? 100 centimeter is nothing but the 10^+2 centimeter. Clear? अब इसे उल्टा लिखना है. 1 centimeter is equal to dash.
मीटर, तो ये हो जाएगा 10^-2। ठीक है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब 1 मीटर इज इक्वल टू - मिलीमीटर, तो क्या होगा, इतना याद रखिएगा, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट आएगा तब उसका जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव, अब जब छोटे से बड़े तो वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000, इट मीन 10^3 मिलीमीटर, एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू - कितना आएगा मीटर में, 10^-3 मीटर। तो ये बेसिक यूनिट्स है जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, यही यूनिट्स की वजह से हमें बहुत सारा कन्वर्जन हम लोग करेंगे। उसके बाद एक टेबल यहाँ पे दिया होगा जिसमें हम लोग को पता चलेगा, उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल और सब मल्टीपल। ठीक है, कौन सा, मल्टीपल और सब मल्टीपल। देखो यहाँ पे मैं वो चीज समझा देता हूँ, मल्टीपल और सब मल्टीपल। पहले मल्टीपल देखते हैं, मल्टीपल मल्टीपल, तो मल्टीपल में यहाँ पे मल्टीपल, तो हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ओके, वैल्यू। पहले हमें 1e, इट मीन्स कितना होता है, 1e मीन्स द एग्जा, इसे क्या बोलते हैं, 1 एग्जा। 1 एग्जा इज इक्वल टू 10^18, क्या होता है उसका वैल्यू 10^18। अब शायद समझ लीजिए, ये लोग केजी में बात कर रहे हो, मीटर में बात कर रहे हो, 1 एग्जा दे दिया हो, ठीक है, 1 एग्जा मीटर, 1 एग्जा केजी, ठीक है, 1 एग्जा केजी। यहाँ पे केजी भी लगा सकते हैं, मीटर भी लगा सकते हैं, तो 1e, 1 एग्जा आ जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10^18। अब उसकी उसी तरह 1 पेटा, 1p, 1 पेटा, उसे क्या बोलेंगे, पेटा। 1 पेटा इज इक्वल टू 10^15, क्या होता है, 10^15, ओके, समझ में आ रहा है ये चीज। 1 टेरा, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. वैल्यू है, उस तरह जिस तरह से हम लोगों ने किलोमीटर में कन्वर्ट किया, ये कॉमन वैल्यू है जो सभी जगह पे यूज हो सकते हैं, केजी में भी यूज हो सकते हैं, मीन्स द लेंथ मास और टाइम में यूज हो सकता है। ये बेसिक हमको दे दिया, 1 टेरा इज इक्वल टू 10^12 होता है, इसलिए पीछे में कुछ यूनिट नहीं लगा रहा हूँ। उसके बाद आएगा गीगा, ये बहुत बड़ा आप लोगों ने पढ़ा होगा, गीगा, गीगा इज इक्वल टू 10^9। उसके बाद मेगा, मेगा, मेगा मीन्स 10^6, 10^6। उसके बाद 1 किलो, जो हम लोगों ने अभी लिया, 1 किलो हम लोगों ने केजी लिखा, वो किलोमीटर की बात करें तो 1k, ये के वाला तो हम लोग को बहुत कॉमन हो गया है ना, हम लोग इसे क्या लिखते हैं, 1k इंस किलो, 10^3, क्योंकि 1k 1000, ठीक है, 1k 1000, यहाँ पे किलो के फॉर्म में लिखा हुआ है, के मीन्स किलो भी लिख सकते हैं, और के मीन्स 1000 हम लोग समझते हैं। उसके बाद 1h, हेक्टा, हेक्टो इक्वल टू 10^2, और उसके बाद आएगा डिका, 1 डा मीन्स द डेका, वो हो जाएगा 10^1। ये हो गया मल्टीपल, क्या हो गया, मल्टीपल, ठीक है। तो हम चलते हैं सब मल्टीपल की ओर, क्या, सब मल्टीपल, तो सब मल्टीपल मीन्स द नेगेटिव आएगा, सब मल्टीपल, सब मल्टीपल में सब चीज नेगेटिव आएगी, ठीक है, सब चीज क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली। देखते हैं क्या, पहले 1d, डी मीन्स द डेसी, और डेसी का क्या हो जाएगा, 10^-1, ये अपने नोट में नोट डाउन करना है, ठीक है। 1 सी, सी मीन्स द सेंटी, सेंटीमीटर, सेंटी ग्राम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं यूज कर रहे, सिर्फ सेंटी यूज करते हैं यहाँ पे। 10^-2, जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया 10^-2 मीटर के फॉर्म में, ये रहा, ठीक है। चल अब उसके बाद आएगा 1 मिली, 1 एम और mm, मिली, ठीक है, तो 1 मिली इज इक्वल टू 10^-3, ओके। उसके बाद मिली के बाद माइक्रो, 1 μ, 1 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10^-6, ठीक है। नैनो,
वन स्मॉल एन मीन्स नानो, नानो नहीं नैनो, ठीक है, नहीं तो नानो नानो आप बोलोगे, ऐसा नहीं है, नैनो, ठीक है। उसके बाद वन फेमटो, वन एफ, ये देखो सभी यहाँ पे सभी चीज हम लोगों ने कैपिटल नॉर्मल यूज किया है, यहाँ पे सभी चीज हम लोग स्मॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। फेमटो, फेमटो वन, फेमटो टेन रेस टू माइनस फिफ्टीन। उसके बाद वन एटो, लास्ट वन एटो, वन स्मॉल ए, ठीक है, वन एटो, उससे बोलेंगे एटो टेन रेस टू माइनस एटीन। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा होगा वन एम स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू टेन रेस टू माइनस टेन मीटर, ठीक है, वन एम स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू टेन रेस टू माइनस एट सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे मल्टीपल सब मल्टीपल ऐसे कन्वर्जन हम लोग कर पाएंगे। लेकिन आप देखो सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जाम्पल इस तरह से पूछा जाए, वहां पे एक ऑप्शन है इस तरह का, वन माइक्रोसेकेंड डिवाइड बाई वन नैनो सेकेंड इज इक्वल टू डैश, आपको ये एग्जाम्पल पूछ लिया, चलो ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वन माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू क्या है, देखो वन माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू टेन रेस टू माइनस सिक्स, और वन नैनो सेकेंड, नैनो 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 सेकेंड, वो उसके पीछे टेन रेस टू माइनस नाइन। तो यहाँ पे लिखो कैसे आएगा, देखो टेन रेस टू माइनस सिक्स डिवाइड बाई टेन रेस टू माइनस नाइन, ठीक है। अब ये माइनस वाला अपर चला जाए तो क्या हो जाएगा, टेन रेस टू माइनस सिक्स, क्या हुआ, किसका माइक ऑन हो रहा है, कुछ डाउट है, आवाज नहीं आ रही आप सबकी, यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ टेन रेस टू माइनस सिक्स ये अपर आ जाएगा तो प्लस नाइन हो जाएगा, एनो है तो टेन रेस टू माइनस सिक्स प्लस नाइन, तो ये आंसर आएगा थ्री, ये आंसर होगा टेन रेस टू थ्री। तरह से हम लोग इसका डिफाइन कर पाएंगे। चलो आपको एक एक यहाँ पे मैं एग्जाम्पल करने को देता हूँ, ये मल्टीपल सब मल्टीपल यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल आप मुझे करके दीजिए। वन गीगा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वन नैनो इज इक्वल टू डैश, उसके बाद सेकेंड वन सी वन सेंटी डिवाइड बाई वन वन ई, चलो ये दो आंसर मुझे करके दिया, आंसर इसे फाइंड आउट कीजिए आप लोग। क्या आएगा, टेन रेस टू इलेवन, सबका आ रहा है ऐसा, देखते हैं वेरीफाई कर लेते क्या आएगा। वन जी वन मीन्स गीगा, गीगा क्या है टेन रेस टू नाइन मल्टीप्लाई किया हुआ है, और वन नैनो, नैनो इज इक्वल टू क्या है, नैनो इज इक्वल टू टेन रेस टू माइनस नाइन, प्लस नाइन माइनस नाइन, टेन रेस टू नाइन माइनस नाइन मीन्स टेन रेस टू जीरो, आंसर तो वन आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वन सेंटी, वन सेंटी क्या है, वन सेंटी इज इक्वल टेन रेस टू माइनस टू, वन ई वी मीन्स एक्सा टेन रेस टू एटीन, ये अपर आ जाएगा तो टेन रेस टू माइनस टू माइनस एटीन, आंसर विल बी टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी। समझ में आया अब,